हेलो गाइस, आप लोगों को सभी को मेरा प्यार वाला नमस्कार। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, पेंट से रिलेटेड वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मधुसूदन राजेश हार्डवेयर स्टोर है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा पेंट का काम चल रहा है और मेरे चैनल पर जो वीडियो बनी होती है वो पेंट से रिलेटेड ही होती है, क्योंकि मैं कोठी लाइन में, घरों में, शोरूम में, ऑफिस में मैक्सिमम पेंटिंग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस शोरूम के अंदर कैसा पेंट कर रहे हैं हम। दोस्तों, जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर का लुक आपको मैं दिखाने वाला हूँ, कैसा लुक अंदर का बना हुआ है। तो शोरूम में किस तरह का कलर किया जाता है और कैसे हाईलाइट की जाती है वो लोगों। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो काम है वो अनकम्प्लीट काम है। अब मैं आपको अंदर की जो वीडियो दिखाऊंगा, कैसे हम कलर बना रहे हैं और कैसे उसको मिक्स कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज दूंगा। तो दोस्तों, ये बर्जर लेग्जोल प्यू इनेमल पेंट है और ये बहुत ही एक क्लासिक पेंट है जो आपके फर्नीचर को बहुत ही अल्टीमेट फिनिशिंग देता है। तो दोस्तों, इसको मिक्स करने के लिए अभी हम ढक्कन को ओपन करेंगे और इसके अंदर ग्रे कलर का कलर है, जैसे कि आपको देख रहे हैं। अब हमारे कारीगर इसको मिक्स करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं इसको मिक्स करने का तरीका। दोस्तों, कलर को अच्छे से मिक्स करना और ताकि आपका कलर प्रॉपर बन जाए, फिर इसको हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको करना है और किस चीज़ के लिए हम इसको बना रहे हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मेरा कारीगर देखो सफाई कर रहा है, और सफाई करने का क्या कारण होता है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे वुड वर्क पे प्राइमर लगाया, और प्राइमर लगाने के बाद फिर हमने 150 नंबर के पेपर से इसको रबिंग कराई है। रबिंग करने से क्या होता है कि उसके ऊपर जो थोड़ा स्क्रैप आ जाता है वो सभी खराब, मतलब साफ हो जाता है। तो दोस्तों, रबिंग करने से पेंट बहुत ही अच्छा और स्मूथ होता है, और उसमें पेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ पेंट को किस तरह करना है। तो दोस्तों, पेंट को दो तरीके से किया जाता है, एक ब्रश के साथ में और दूसरा रोलर के साथ में। तो अभी मैं जो आपको अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ इसमें आप देखना। समझाने वाला हूँ ब्रश से पेंट में क्या फ़र्क होता है और रोलर से करने में क्या फ़र्क होता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि ब्रश से करने में ब्रश के निशान दिखाई देते हैं और जिससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो प्यू इनेमल जो पेंट होता है वो ब्रश के साथ ना करे कोई भी कारीगर, पेंटर भाई वो ब्रश के साथ ना करे और उसको रोलर के साथ में करा जाए। अभी देखना आप लोग, हमारे कारीगर अभी ब्रश की फिनिशिंग दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको रोलर की फिनिशिंग दिखाएंगे। तो आपने कंपेयर करना है कि कौन सा वर्क बेस्ट है, ब्रश का कि रोलर का। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखना है किस चीज़ में आपको फिनिशिंग देखना। देखो ब्रश के निशान कैसे नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग निशान नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बाद में भी लाइफ टाइम के लिए नज़र आते हैं, अगर हम रोलर के साथ में करेंगे तो उसकी एक बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो अभी हम ब्रश के साथ का आपको कंपैरिजन दिखा रहे हैं, अब हमारे कारीगर रोलर से करेंगे। तो दोस्तों, रोलर की फिनिशिंग भी आप लोग देखना।
तो गाइस अब आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ रोलर की फिनिशिंग। तो रोलर की फिनिशिंग से आपने देखना है कितनी प्यारी फिनिशिंग है, वो चीज़ आपको नोट करना है कि ब्रश का वर्कआउट ज़्यादा अच्छा होता है कि रोलर का। अब मैं बारीकी से आपको दिखाने वाला हूँ रोलर की फिनिशिंग। की फिनिशिंग और रोलर की फिनिशिंग के लिए बारे में मैंने आपको बताया है, तो इसके बारे में और भी आपको जानकारी देने वाला हूं और आपको मैं नज़दीकी से दिखाऊंगा कि रोलर की फिनिशिंग से कैसी फिनिशिंग आती है। और जब भैया रोलर से जो पेंट होता है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने स्प्रे से किया हो, मतलब गन से पेंट किया हो कंप्रेशर के साथ में। तो इसके बारे में ही मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई है, अब नज़दीकी से दिखाता हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग इसकी आ रही है। तो दोस्तों देखो, मैंने ब्रश की भी दिखाई और रोलर की फिनिशिंग के बारे में भी आपको बताया है और दिखाया है कि कितना प्यारा काम रोलर के साथ में किया जाता है।